तो आज हम जिस सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 90s के टाइम से ही सभी का फैन फेवरेट है, और इसका एक बड़ा रीजन स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन्स भी हैं। वो वर्जन्स जो है तो हमारे स्पाइडरमैन जैसे ही, लेकिन उनकी पावर्स हमारे स्पाइडरमैन से भी ज्यादा औसम और कमाल की है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन की बात करेंगे और उनकी पावर्स को डिटेल से जानेंगे। वैसे इन टॉप 10 स्पाइडरमैन की लिस्ट हमारी खुद की बनाई हुई है, इसीलिए हो सकता है कि आप में से कुछ को ये लिस्ट परफेक्ट ना लगे। तो यार वैसे परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से इस लिस्ट को एक्यूरेट रखा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर नए आ गए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाई लें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे। नंबर 10 स्पाइडरमैन नॉर। स्पाइडरमैन नॉर सबसे पहले दिखा था 2009 में आई नॉर के इशू 1 में। ये स्पाइडरमैन भी अर्थ 616 के मेन स्पाइडरमैन का ही अल्टरनेट वर्जन है। स्पाइडरमैन नॉर ब्लैक रेनकोट और ब्लैक हैट पहनता है, और कॉमिक्स में इसकी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। दरअसल इस स्पाइडरमैन के टाइमलाइन को वर्ल्ड वॉर के वक्त का दिखाया गया है, जहां ये एक डिटेक्टिव की तरह दिखता है और विलन्स को छुप छुप कर ही मारता है। बात करें इसकी पावर्स की तो ये स्पाइडरमैन भी ऑर्गेनिक वेब शूट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, और इसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है। इनके अलावा ये दीवारों पर चढ़ सकता है, और इसका स्पाइडर सेंस इसे किसी भी खतरे से पहले ही फोन कर देता है। पर अगर कभी दुश्मन ज्यादा ही ताकतवर हो तो उसे निपटाने के लिए ये अपनी जेब में एक पिस्टल रिवॉल्वर भी रखता है। नंबर 9 स्पाइडर ग्वेन। स्पाइडर ग्वेन अर्थ 65 की एक सुपर हीरो है, जो कि सबसे पहले अपीयर हुई थी 2014 में आई एज ऑफ स्पाइडर वर्स के इशू 2 में। इस यूनिवर्स के अंदर ग्वेन स्टेसी एक मिडटाउन हाई स्कूल गर्ल होती है, जिसे एक जेनेटिकली इंजीनियर स्पाइडर काट लेता है और इसे स्पाइडरमैन जैसी स्पाइडी पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने सिटी के क्रिमिनल से लड़ती है और उसके शहर के लोग उसे बुलाते हैं स्पाइडर वुमैन। इस स्टोरी लाइन में पीटर पार्कर एक लूजर सा लड़का होता है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं, और इसी बात से तंग आकर पीटर अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए एक सीरम को इन्वेंट करता है और उसे खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से पीटर पार्कर एक इवल लिजर्ड मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे रोकने के लिए ग्वेन स्टेसी को पीटर पार्कर से ही लड़ना पड़ता है। स्पाइडर ग्वेन के पास भी सेम वैसे ही पावर्स हैं जैसे कि क्लासिक स्पाइडरमैन के पास हैं, और वो भी मास्क के पीछे रहकर दुनिया की मदद करती है। नंबर 8 स्कारलेट स्पाइडर। वैसे तो कॉमिक्स के अंदर कई स्कारलेट स्पाइडर्स देख चुके हैं, लेकिन हम इस लिस्ट के अंदर सबसे पावरफुल स्कारलेट स्पाइडर यानी केन पार्कर की बात करेंगे। ये पीटर पार्कर का पहला क्लोन है, जिसे क्रिएट किया था माइल्स वॉरेन ने। तो जो लोग स्पाइडरमैन के क्लोन के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर अब तक स्पाइडरमैन के बहुत से क्लोन्स दिखाए जा चुके हैं, जो कि अपीयरेंस और पावर्स में लगभग स्पाइडरमैन जैसे ही होते हैं। स्कारलेट स्पाइडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, फास्ट और ड्यूरेबल है, और ये 40 टन तक के वेट को बड़े आराम से उठा सकता है। इसका स्टेमिना इतना ज्यादा है कि अगर ये अपने किसी भी एनिमी से फाइट करें तो ये उनसे बिना रोके और बिना थके कई कई घंटों तक फाइट कर सकता है। इसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत फास्ट है, ये दीवारों पर चढ़ सकता है, रात को अंधेरे में भी देख सकता है, और इसके पास भी स्पाइडर सेंस है। नंबर 7 माइल्स मोरालेस। माइल्स मोरालेस कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले दिखा था 2011 में आई अल्टीमेट फॉलआउट के इशू 4 में, इसीलिए एज अ स्पाइडरमैन ये बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। माइल्स मोरालेस भले ही नया कैरेक्टर हो, लेकिन फिर भी ये अब तक के स्पाइडरमैन में सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन है। बात करें इसकी ओरिजिन की तो माइल्स मोरालेस अल्टरनेट यूनिवर्स का कैरेक्टर है, जहां वो एक 13 साल का बच्चा है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में इसके स्पाइडरमैन बनने से पहले एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता था जो कि पीटर पार्कर था। पीटर पार्कर को उसकी पावर्स एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर के काटने से मिली थी, जो स्पाइडर नॉर्मन ऑस्बोर्न यानी ग्रीन गोब्लिन ने बनाया था। और जब नॉर्मन ऑस्बोर्न को ये पता लगा कि पीटर को उसी के बनाए हुए स्पाइडर से पावर्स मिली है, तो उसने फिर से वैसे एक स्पाइडर बनाया जो कि पिछले स्पाइडर से भी बेटर था। लेकिन नॉर्मन ऑस्बोर्न के उस स्पाइडर को यूज करने से पहले ही वो स्पाइडर उसकी लैब से निकल गया, और उसने बाद में माइल्स मोरालेस को काट लिया, जिसके बाद माइल्स मोरालेस को उसकी स्पाइडी पावर्स मिली। माइल्स मोरालेस की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंस। यानी माइल्स मोरालेस अपने यूनिवर्स के ओरिजिनल स्पाइडरमैन से भी ज्यादा ताकतवर हैवी चीजों को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है, इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़े हमलों को भी आसानी से झेल सकता है, और तो और ऊंचाई से गिरने पर भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि कॉमिक्स के अंदर एक वक्त पर ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी तोड़ चुका है। इनके अलावा ये दीवारों पर चढ़ सकता है, किसी को छूकर खतरनाक बायोइलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, और तो और अगर जरूरत पड़े तो ये गायब भी हो सकता है। नंबर 6 स्पाइडरमैन 2099। स्पाइडरमैन 2099 सबसे पहले अपीयर हुआ था अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 365 में। स्पाइडरमैन 2099 अर्थ 928 का कैरेक्टर है, और हाँ 2099 नाम वाला ये कोई अकेला कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन 2099 की तरह घोस्ट राइडर 2099, पनिशर 2099 और यहाँ तक कि एवेंजर्स 2099 भी इस अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस स्पाइडरमैन का नाम मिगेल ओहारा होता है, जो कि एल्केमिक्स नाम की कंपनी में काम करता है। ये अपनी कंपनी के अंदर पुराने पीटर पार्कर जैसा सुपर सोल्जर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम
काम करता है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट के बीच मिगल का एक ऑफिस कलीग मशीन को खराब कर देता है, जिस वजह से मिगल का डीएनए पीटर पार्कर के डीएनए के साथ मिल जाता है, जिसके बाद मिगल की बॉडी में जेनेटिकली चेंजेस हो जाते हैं और उसे स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और अपनी नई पावर्स के साथ बनता है स्पाइडरमैन 2099। बात करें इसकी पावर्स की, तो जेनेटिक चेंजेस होने के बाद ये 10 टन तक के वेट को बड़े आराम से उठा सकता है, 30 फीट तक जंप कर सकता है और इसके अलावा स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस जैसी स्किल्स को भी होल्ड करता है। इनके अलावा ये ऑर्गेनिक वेब शूट कर सकता है और अंधेरे में भी साफ देख सकता है। स्पाइडरमैन 2099 के विलन्स की बात करें, तो इसके सारे विलन्स भी क्लासिक स्पाइडरमैन के विलन्स के फ्यूचर वर्जन हैं, जैसे वेनम 2099, वल्चर 2099, स्कॉर्पियन 2099 और ब्लैक कैट 2099। नंबर 5, पीटर पार्कर। तो पीटर पार्कर यानी हमारा क्लासिक स्पाइडरमैन वो पहला स्पाइडरमैन है जिसे हमने कॉमिक्स और मूवीज में देखा है। पीटर पार्कर बचपन में अपनी मॉम और डैड को खो चुका था, जिसके बाद वो अपने अंकल और आंटी के साथ ही पला बड़ा। पीटर को एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद उसे उसकी स्पाइडरमैन पावर्स मिलती है। पावर्स मिलने के बाद पीटर फैसला करता है कि वो अपनी इन पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करेगा, लेकिन अंकल बेन की डेथ पीटर की लाइफ को पूरी तरह बदल देती है, जिसके बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो अपनी इन पावर्स को सिर्फ अच्छाई के काम में लगाएगा। हमारे हीरो पीटर पार्कर ने अंकल बेन की डेथ से लेकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी तक की डेथ को फेस किया है, जो कि इसे फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है। बात करें क्लासिक स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडरमैन जैसी सारी पावर्स हैं। और स्पाइडरमैन अपनी इन पावर्स से क्या क्या कर सकता है, वो तो हम सबने मूवीज और कॉमिक्स में देख ही रखा है। नंबर 4, सुपीरियर स्पाइडरमैन। सुपीरियर स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 700 में दिखा था। इस स्टोरी लाइन के अंदर डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर पार्कर की बॉडी में घुस जाता है और स्पाइडरमैन बनकर पीटर से भी बेटर हीरो बनने की कोशिश करता है। एक सुपीरियर हीरो बनने के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को रीडिजाइन करता है और अपनी टेक्नोलॉजी और स्पाइडरमैन की पावर्स के साथ मिलकर बनता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। एक बार स्पाइडरमैन सूट को हासिल करने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस उसमें अपने लंबे पंजों वाले टेंटेकल्स को इंस्टॉल कर देता है, मास्क में एडवांस लेंस को फिट कर देता है और सूट के चेस्ट पर बने स्पाइडर सिंबल पर एक स्पाइडर बटन ऐड कर देता है, जिसे टच करते ही वो अपने गैजेट्स को एक्सेस कर सकता है। नंबर 3, घोस्ट स्पाइडर। घोस्ट स्पाइडर अर्थ 11638 का स्पाइडरमैन है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखा था 2011 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 38 में। अर्थ 11638 के स्पाइडरमैन की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टोरी लाइन में ना तो अंकल बेन की मौत होती है और ना ही अंकल बेन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी से अनजान होते हैं। इस दुनिया का पीटर पार्कर एक अमीर साइंटिस्ट है, जिसकी पार्कर टेक्नोलॉजीज नाम की खुद की एक कंपनी है। ये स्पाइडरमैन बाकी के सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में जानता है, इसीलिए वो एक पोर्टेबल डिवाइस के जरिए एक एक करके उन सभी स्पाइडरमैन को अपनी दुनिया लाता है और उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके उन्हें मार देता है। और ऐसे ही जब वो हमारे स्पाइडरमैन यानी अर्थ 616 के स्पाइडरमैन को अपनी दुनिया में लाकर उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, तभी गलती से वो खुद ही कोमा में चला जाता है और उसकी स्पिरिट हेल के अंदर लॉक हो जाती है। और जब वो कोमा से ठीक होता है, तब उसकी स्पिरिट भी कुछ नए पावर्स के साथ लौटती है और वो स्पाइडरमैन से बनता है घोस्ट स्पाइडर। बात करें घोस्ट स्पाइडर की पावर्स की, तो इसके पास क्लासिक स्पाइडरमैन जैसी सारी पावर्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पाइडर सेंस। इनके अलावा घोस्ट स्पाइडर के पास घोस्ट की भी पावर्स हैं और ऐसे दो बड़े कैरेक्टर्स की पावर्स होने की वजह से ही घोस्ट स्पाइडर इतना ज्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन है। नंबर 2, कॉस्मिक स्पाइडरमैन। कॉस्मिक स्पाइडरमैन अर्थ 13 का स्पाइडरमैन है, जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। अल्टरनेट यूनिवर्स का ये स्पाइडरमैन अपनी दुनिया में एनिग्मा फोर्स की पावर्स को रिटेन कर लेता है, जिसके बाद ये बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। बात करें इसकी पावर्स की, तो इसके पास स्पाइडरमैन वाली सारी पावर्स हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड, एजिलिटी, बॉल क्रॉलिंग एबिलिटी और स्पाइडर सेंस। लेकिन जो स्पेशल पावर इसे सबसे खास बनाती है, वो है इसकी एनिग्मा फोर्स पावर, क्योंकि इस पावर की वजह से कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, मॉलिकुलर चेंज और फ्लाई करने जैसी कमाल की पावर्स आ जाती है। ये स्पाइडरमैन बहुत दूर तक के डिस्टेंसेस को भी क्लियरली देख सकता है, धीमी आवाजों को भी साफ सुन सकता है और अपने ऊपर होने वाले हमलों को पहले से ही जान सकता है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन किसी भी एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को बदल सकता है, मैटर को एटॉमिक लेवल तक चेंज कर सकता है और तो और किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी बदल सकता है। ये कैरेक्टर चाहे तो अपने वेब को शूट करके उसे जितना चाहे हार्ड कर सकता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन के बारे में और एक जानने लायक बात यह है कि ये अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है और कॉमिक्स के अंदर इसकी पावर्स की तुलना सिल्वर सर्फर से भी की गई है। नंबर 1, ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन अर्थ 2149 का सुपर हीरो है और कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा था 2005 में अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर कॉमिक में। इस स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में पहले तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से एक दिन एक ज़ॉम्बी वायरस अर्थ 2149 में फैल जाता है और बड़ी जल्दी ही वायरल होने लगता है, जिसके बाद ये वायरस बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर देता है
और इसके कुछ वक्त बाद स्पाइडरमैन भी इसका शिकार हो जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन से बन जाता है जोम्बी स्पाइडरमैन। और जोम्बी स्पाइडरमैन बनने के बाद ये मैरी जेन और आंट मे दोनों को ही मारकर खा जाता है। बात करें इस जोम्बी स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो उसके पास क्लासिक स्पाइडरमैन जैसी सारी सिमिलर पावर्स हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पाइडर सेंस और वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी। इन सब के अलावा जोम्बी स्पाइडरमैन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये किसी भी एंटिटी की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये जोम्बी स्पाइडरमैन जिसको भी खाता है उसे खाने के बाद ये उसकी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। और जोम्बी स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को भी मार के खा चुका है, जिस वजह से इसके पास कॉस्मिक पावर्स भी आ चुकी है। और इसी वजह से ये जोम्बी स्पाइडरमैन हमारे लिस्ट का सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन है। वैसे भी स्पाइडरमैन का ये वर्जन जोम्बी बनने के बाद वेनम और रेड स्कल जैसे पावरफुल विलन्स को मार चुका है और ग्रीन गोब्लिन को भी हरा चुका है। तो बस यही हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन की लिस्ट थी। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर